वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल मामले पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने कल इस मामले में एक हलफनामा दायर किया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की 3 सदस्यीय पीठ कर रही है। आज होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल हलफनामा भी सामने आएगा। हम आपको बता दें कि राफेल पर पुनर्विचार याचिका वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने डाली है। पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 6 मार्च को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आरोप लगाया था कि पुनर्विचार याचिका उन दस्तावेजों पर आधारित है जो रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। वेणुगोपाल ने 2 दिन बाद दावा किया कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं किए गए थे, बल्कि शीर्ष अदालत में उनके कहने का तात्पर्य यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में मूल की फोटो प्रतियां इस्तेमाल की है जिन्हें सरकार गोपनीय मानती है।